वीडियो देखने से पहले सब्सक्राइब करें हमारा चैनल मल्टीवैगर वर्ल्ड और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। तो गाइज, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं एक ऐसी मल्टीबैगर स्टॉक के बारे में जो अभी तक 23 गुना रिटर्न दे चुका है 2008 से लिस्ट होने के बाद। और यहाँ पर ये जो कंपनी है मैन्युफैक्चरिंग करती है ड्रग्स की, जो कि अदर कंपनीज के लिए किया करती थी और अब खुद के लिए करने लगी है, जिस वजह से इनके मार्जिन बढ़ चुके हैं और स्टॉक के अंदर एक दो साल के अंदर यहाँ पर बहुत ज़्यादा तेज़ी देखने को मिली है। और आने वाले टाइम में जब इनकी नई नई दवाएं आती जाएंगी मार्केट में, तो इस स्टॉक के प्राइस जो है वो काफ़ी ज़्यादा मूव करते जाएंगे और हमें एक और मल्टीबैगर रिटर्न देने के लिए ये स्टॉक मुझे यहाँ पर काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। तो गाइस, इस वीडियो में हम पूरी डिटेल में जानेंगे, तो चलिए जान लेते हैं इस कंपनी के बारे में पूरी डिटेल में और इसकी फंडामेंटल्स भी। डाउनलोड करें लर्नो ट्रेड ऐप, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जो कि एक वर्चुअल ट्रेडिंग ऐप है जहां पर आपको वर्चुअल मनी दी जाती है प्रैक्टिस करने के लिए। चाहे आप इक्विटी, कैश, फ्यूचर ऑप्शन, जिसमें भी आप ट्रेड करते हो, बाय और सेल दोनों ही पोजिशन लगाकर आप यहाँ पर प्रैक्टिस कर पाएंगे। तो गाइस, गुजरात थेमिस बायोसिन लिमिटेड, ये एक ऐसी कंपनी है जो मैन्युफैक्चरिंग करती है फार्मास्यूटिकल्स और मेडिसिनल केमिकल्स को, जो कि पहले दूसरी कंपनीज के लिए किया करती थी। अब इन्होंने खुद अपनी एक ड्रग्स उतारी है मार्केट में, जो कि एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग है, जिसका नाम है रिफर्मसिस। रिफर्मसिन एक ऐसी दवाई है जो कि डायबिटीज़ के जो सेकेंड स्टेज के मरीज होते हैं उनकी डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में सिर्फ यही एक लौती दवाई है इंडिया में, और मैन्युफैक्चरिंग करने वाले भी यही एक लौते हैं जो इस दवाई को बना रहे हैं, जो कि डायबिटीज़ की सेकेंड स्टेज, जो कि इंडिया में और कोई दवाई नहीं बनाती है इस पर्पस से। तो ये कंपनी जो है यहाँ से एकदम बूम कर चुकी है एक दो साल के अंदर, और इसके प्राइस अभी और भी ज़्यादा मूव करते हुए देखने को मिल सकते हैं। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँगी, टेक्निकली फाइनेंशियली कोलैबोरेशन यहाँ पर ये कर चुकी है युहान कॉरपोरेशन के साथ, जो कि एक कोरियन कंपनी है। और इसी कंपनी के कोलैबोरेशन के बाद ही गुजरात थेमिस जो है वो इंडिया की फर्स्ट कंपनी बन गई है कमर्शियल प्रोडक्शन करने वाली एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग, यानी कि रिफर्मसिन की। और दूसरा मेन पॉइंट ये है यहाँ पर कि इन्होंने अपना बिजनेस मॉडल जो है वो चेंज कर दिया है। कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जो मैन्युफैक्चरिंग किया करते थे, वहाँ से अब ये सप्लाई मॉडल तक आ चुके हैं। तो यहाँ पर मैं आपको कंफर्म कर दूँ कि जितनी भी फार्मास्यूटिकल कंपनी हैं जिनकी दवाएं मार्केट में हैं, वो सभी दवाएं नहीं बनाती हैं, उनकी कुछ ही दवाएं होती हैं, बाकी दवाएं वो दूसरी कंपनी से मैन्युफैक्चरिंग करवा कर अपने लेबल लगाकर मार्केट में मार्केटिंग किया करते हैं। तो ये कंपनी जो है पहले मैन्युफैक्चरिंग किया करती थी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे दूसरी कंपनियों के लिए, जिस वजह से इनका जो मार्जिन है वो करीब 18% रहा करता था 2019 तक। और इसके बाद ऐसा हुआ है कि इन्होंने अपनी सप्लाई मॉडल भी शुरू कर दिया है, यानी मार्केट में अपनी दवाएं भी लॉन्च करना शुरू कर दिया है, जिस वजह से इनका जो मार्जिन है वो 30% पर पहुंच गया है, यानी कि 100 रुपये पर 30 रुपये ये कमाने लगे हैं। पहले 18 रुपये कमाया करते थे दूसरों को सप्लाई कर, बट अब मार्केट में ये डायरेक्टली सप्लाई कर रहे हैं अपनी दवाएँ, जिस वजह से इनका मार्जिन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। मार्जिन बढ़ना यानी कंपनी के लिए प्रॉफिट बढ़ना, और यहाँ पर स्टॉक्स के अंदर काफ़ी अच्छा मूव आना। तो ये भी मैं आपको कंफर्म कर दूं कि ये एक लौती दवाई ऐसी नहीं है जिसको ये मार्केट में अभी सप्लाई कर रहे हैं, और भी ऐसी दवाएं हैं जिसको मार्केट में ये सप्लाई कर रहे हैं, और भी ऐसी दवाएं ये मार्केट में लाने के लिए अभी रिसर्च कर रहे हैं, रिसर्च पर भी ये काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं। अगर उनकी और ज़्यादा दवाएं मार्केट में ऐसी आती हैं जो दूसरे कोई नहीं बना रहे हैं, तो यहाँ पर स्टॉक के अंदर और भी ज़्यादा बूम देखने को मिल सकता है। तो स्टॉक काफ़ी अच्छा है इन्वेस्टमेंट के लिए। तो चलिए आप फंडामेंटल भी जान लेते हैं कंपनी के। तो यहाँ पर अभी जो करंट प्राइस देखने को मिल रहा है 582 पर अभी ये ट्रेड कर रहा है। स्मॉल कैप कंपनी है, 845 करोड़ का यहाँ पर मार्केट कैपिटल है, 1000 करोड़ भी अभी ये नहीं पहुँचा है, यानी कि इनके पास अभी बहुत चांसेस हैं और ऊपर जाने के, क्योंकि यहाँ पर इंडस्ट्री पी देखेंगे 24.2 पॉइंट ही यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। अभी बहुत ज़्यादा इसको बढ़ने के लिए अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो यहाँ पर कंपनी पे डेट देखेंगे तो 4.83 करोड़ का डेट है, जिसमें कि इसको हम डेट फ्री ही कहेंगे क्योंकि इसके पास जो कैश फ्लो है वो इससे भी ज़्यादा है 7.48 करोड़ का, और जो प्रॉफिट है 37.5 करोड़ के इनके प्रॉफिट यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। ईपीएस जो है बहुत ही शानदार यहाँ पर 25.8 ईपीएस देखने को मिल रहा है, और रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी यहाँ पर देखेंगे तो 66.9% का देखने को मिल रहा है, रिटर्न ऑन इक्विटी देखेंगे तो 53.8% का देखने को मिल रहा है, जो कि काफ़ी शानदार यहाँ पर माना जाता है। और कंपनी के स्टॉक्स की मूवमेंट की बात करें तो यहाँ पर एक साल पहले 196 का इसने लो बनाया था, और यहाँ पर देखेंगे तो एक साल में इसने अपना जो हाई बनाया है 692 का हाई बनाने के बाद ये यहाँ पर 100 पॉइंट से भी 110 पॉइंट यहाँ पर गिरकर आपको डिस्काउंट प्राइजेस पर देखने को मिल रहा है।
तो यहां पर अभी मौका है इन्वेस्टमेंट का, फिर आपका डिसीजन है आपको कब इन्वेस्टमेंट करना है। यहां पर प्रोस चेक करेंगे तो कंपनी जो है वो अपना डेट रिड्यूस कर ऑलमोस्ट डेट फ्री हो चुकी है। क्वार्टरली रिजल्ट जो है वो काफ़ी अच्छे एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं कि काफ़ी अच्छे रिजल्ट यहाँ पर हमको देखने को मिल सकते हैं। 5 साल का CAGR देखेंगे तो 45.35% का देखने को मिल रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी आपको यहाँ पर देख ही चुके हैं 58.61% का, जो कि काफ़ी अच्छे हैं यहाँ पर। और कंपनी में रिटर्न की बात करें तो एक मंथ में ये करीब 15% का रिटर्न दे चुके हैं, और एक साल की बात करें तो यहाँ पर ये 1.5 गुना रिटर्न दे चुके हैं। और 5 साल की यहाँ पर हम मूवमेंट देखें तो 5 साल में ये 9 गुना रिटर्न दे चुके हैं। और मैक्सिमम की बात करें, जब से ये लिस्ट हुए हैं तो लिस्टिंग का जो प्राइस देखने को मिल रहा होगा 25 रुपीज़ पर, ये मार्केट में 2008 में लिस्ट हुए थे। उसके बाद इन्होंने यहाँ पर गिरावट दिखाकर एक लो बनाया 4.45 रुपीज़ का, और इसके बाद से ये काफ़ी ज़्यादा कंसोलिडेट बने रहे, ज़्यादा कुछ मूवमेंट देखने को नहीं मिला। और जहाँ पर इनका कोलेब्रेशन हुआ युआन कोरियन कंपनी के साथ, और ये इंडिया की फर्स्ट मैन्युफैक्चरर रिफम्सिन की मैन्युफैक्चरर नंबर 1 यहाँ पर बन चुके हैं और एक लौते हैं, तो जिस वजह से इस स्टॉक के अंदर काफ़ी ज़्यादा तेज़ी देखने को मिली। और ये स्टॉक जो है वो अब तक 23 गुना रिटर्न दे चुका है, तभी से मूव करना शुरू किया है जब से ये मार्केट में सेल का मॉडल लेकर आए हैं। सप्लाई मॉडल यहाँ पर इन्होंने जब से शुरू किया है इस स्टॉक के अंदर तेज़ी आना चालू हो गई है, और जितनी दवाएं इनकी मार्केट में आती जाएंगी इस स्टॉक के अंदर और भी ज़्यादा तेज़ी देखने को मिल सकती है। जो डेटा है वो इनसफिशियंट है, जिस वजह से इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं निकाली जा सकती है। रिटर्न अच्छा देती है कंपनी, डिविडेंड की एक्सपेक्टेशन ना करें इस कंपनी के साथ। एंट्री पॉइंट काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है, और इस कंपनी की आप यहाँ पर फाइनेंशियल रिपोर्ट देखें तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा कि कंटिन्यूअसली ये कंपनी 2018 से कंटिन्यूअसली यहाँ पर रफ्तार दिखा रही है। क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे तो इसकी जो रेवेन्यू है वो 38 करोड़ से यहाँ पर 93 करोड़ पर पहुँच चुकी है, और जो इनके प्रॉफिट्स थे वो यहाँ पर मार्जिन बढ़ने के बाद यहाँ पर 3 करोड़ से 30 करोड़ पर आ चुके हैं। यानी कि 4 सालों में इस कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 10 गुना बढ़ चुका है। तो ऐसे ही प्रॉफिट इसके बढ़ते रहेंगे तो यहाँ पर स्टॉक्स के मूवमेंट भी हमें काफ़ी अच्छे देखने को मिलते रहेंगे। अच्छी बात यह है कि यहाँ पर किसी भी प्रमोटर ने अपने स्टॉक्स को प्लेज नहीं किया है। और यहाँ पर हम कंपनी की शेयर होल्डिंग भी चेक कर लेते हैं कि प्रमोटर्स की होल्डिंग कितनी है, और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर भी इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है 74.99% की अभी भी बनी हुई है। म्यूचुअल फंड भी इसमें थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट कर रहा है 0.02% का, जो कि कंसोलिडेट बना हुआ है जून 2020 से यहाँ पर ये कंसोलिडेट बना हुआ है म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का देखेंगे तो 0.01% का इनका भी इन्वेस्टमेंट है, अभी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल यहाँ पर नहीं आए हैं। बाकी बचा हुआ जो होल्डिंग है वो रिटेल इन्वेस्टर के पास यानी पब्लिक के पास है। तो गाइज यहाँ पर मैंने जो भी आपके साथ शेयर किया, ज़्यादा कुछ जानकारी तो इस कंपनी के बारे में नहीं है, ज़्यादा कुछ न्यूज़ भी देखने को आपको नहीं मिलेंगी। बट अब ये मार्केट में जब रफ्तार पड़ना शुरू करेगा और भी ज़्यादा बड़ी कंपनी बनेगा, मार्केट कैपिटल बढ़ेगा, तो इसके बारे में भी आपको न्यूज़ देखने को मिलेंगी। बट अभी इतना ज़्यादा डेटा देखने को नहीं मिलेगा जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको और ज़्यादा बताया जाए, तो अपनी रिसर्च आप खुद भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपके पास एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए, जिसके लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएंगे। चाहे आप ज़रोधा, अप स्टॉक्स या एलिस ब्लू, जिसमें भी आप इन्वेस्टमेंट करना चाहें उसमें आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। बहुत ही कम रेट लिया करते हैं, डिलीवरी एकदम फ्री है, और इंट्राडे ना के बराबर ब्रोकरेज लिया करते हैं।